A very kind request to you, please subscribe the channel and hit the bell icon for further updates. Hello friend, इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं कट ऑफ ऑफ हरियाणा मेडिकल कॉलेज का नीट जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ होगा उसके बारे में। इस वीडियो को हम लोग टू पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। फर्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे स्टेट कोटा, क्लोजिंग रैंक कितना रहेगा, जनरल कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी, एससी कैटेगरी, एसटी कैटेगरी। फिर हम लोग बात करेंगे ऑल इंडिया कोटा सीट्स के बारे में कि उसमें टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितने हैं और आपको बेस्ड ऑन दिस कितने रैंक पे आपको कौन सा कॉलेज मिल जाएगा। सो स्टार्ट करते हैं। पंडित बीडी शर्मा पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस रोहतक हरियाणा। सो फॉर जनरल कैटेगरी जो क्लोजिंग रैंक रहेगा नीट रैंक वो जाता है इस कॉलेज के लिए 3922। अगर बात करें BCA तो नीट क्लोजिंग रैंक जाता है इस कॉलेज के लिए 3841। BCB की बात करें तो वो जाता है 4748। अगर SC की बात करें SC कैटेगरी की तो वो जाता है 43276। अब बात कर लेते शाहिद हसन खान मेवावती गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नल्हार। सो जनरल कैटेगरी का क्लोजिंग रैंक जाएगा मैक्सिमम अप टू 9612 फॉर दिस कॉलेज। BCA की बात करें सो 19713। BCB की बात करें तो थोड़ा फ्लक्चुएशन रहता है कभी कभी, जैसे बेस्ड ऑन हम लोग लास्ट ईयर से देख रहे हैं इसमें BCB का ही बेस्ड ऑन द पॉपुलेशन ही वेरी करता है, इस वजह से क्लोजिंग रैंक इसका कम है और 9597 ही है। एससी कैटेगरी की बात करें तो 63152। नेक्स्ट बात कर लेते हैं एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ESIC मेडिकल कॉलेज फरीदाबाद में जो है। सो नीट रैंक अगर आपका 7100 तक है और अनरिजर्व कैटेगरी में है तो आपका एडमिशन इस कॉलेज में हो सकता है। अगर आप आते हैं BCA कैटेगरी के अंदर सो आपका अगर मैक्सिमम अप टू 14496 रैंक के अंदर में है तो आपको इस कॉलेज में एडमिशन इस गवर्नमेंट कॉलेज में हो सकता है। अगर बात करें BCB के बारे में तो अगर आपका रैंक है 7855 तो आपका इस कॉलेज में एडमिशन हो सकता है। अगर आप SC कैटेगरी के अंदर में आते तो अगर आपका रैंक है 58279 तो आपका इस कॉलेज में एडमिशन हो सकता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कल्पना चावला गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज करनाल हरियाणा में जो कॉलेज है। तो नीट रैंक अगर अनरिजर्व कैटेगरी वालों के पास अगर अप टू 6768 है तो इस कॉलेज में एडमिशन होगा, तो नहीं हो पाएगा इस कॉलेज में। अगर BCA के बारे में बात करें सो मैक्सिमम अप टू 13174 रैंक वाले लोग जितने भी हैं वो इस कॉलेज में ट्राई कर सकते हैं। BCB के बारे में बात करें तो 8624 रैंक जिनका है वो ट्राई कर सकते हैं, उनका चांसेस है इस कॉलेज में एडमिशन के लिए। अगर SC कैटेगरी की बात करें तो ये मैक्सिमम क्लोजिंग रैंक जाता है 56453। नेक्स्ट बात कर लेते हैं BPS गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज फॉर वुमेंस सोनीपत में जो है। सो नीट रैंक जो जनरल कैटेगरी वालों के लिए रिक्वायर है यहाँ पे जो कि है 9168, फॉर BCA कैटेगरी के लिए है 19678, फॉर BCB कैटेगरी के लिए 9126, फॉर SC कैटेगरी के लिए 63390। अब बात कर लेते हैं हम लोग ऑल इंडिया कोटा सीट्स के बारे में कि इसमें आपको कितने रैंक चाहिए अगर लेना है। सो स्टार्ट करते हैं पंडित पीडी शर्मा पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल साइंस रोहतक जो पहला कॉलेज है इनका, तो उसके बारे में अगर बात कर ले हम लोग तो जनरल कैटेगरी के लिए यहाँ क्लोजिंग रैंक जो है वो 1481 पे ये क्लोज सीट हो जाते हैं, सीट क्लोज हो जाते हैं। इसी तरह से अगर BCA के बारे में बात करें तो ये हार्डली जाता है अप टू 12300 तक। अगर BCB की बात करें तो ये जाता है मैक्सिमम अप टू 22527 और SC कैटेगरी के लिए मैक्सिमम जो गया है लास्ट ईयर बेस्ड ऑन दिस डाटा 49550। बात कर लेते हैं नेक्स्ट सैयद हसन खान मेवाती गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नल्हार मेवात में है जो। तो नीट रैंक मैक्सिमम क्लोजिंग रैंक फॉर जॉन रिजर्व कैटेगरी ओपन कैटेगरी जनरल कैटेगरी के लिए रहेगा तो चूँकि है 5097। BCA के बारे में अगर बात करें तो BCA के बारे में ये जाएगा अप टू 16500 रैंक। BCB के बारे में बात करें 38545। SC कैटेगरी के बारे में बात करें 57775।
नेक्स्ट बात कर लेते हैं एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन मेडिकल कॉलेज फरीदाबाद। सो नीट रैंक जो अप टू अनरिजर्व कैटेगरी के लिए जो चाहिए वो है 4827, और बी सी ए के लिए है 5234, बी सी बी के लिए है 36535, एंड एस सी कैटेगरी के लिए है 60294। अगर बात कर लेते हैं कल्पना चावला गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज करनाल। सो अनरिजर्व कैटेगरी जनरल कैटेगरी के लिए जो क्लोजिंग रैंक जाता है ये होता है 4747, बी सी ए कैटेगरी के लिए जो जाएगा वो होगा 9037, बी सी बी के लिए होगा 36606, एंड एस सी कैटेगरी के लिए 51383। अगर बात कर ले लास्ट कॉलेज जो कि है बी पी एस गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज फॉर वुमेन सोनीपत में जो है नीट रैंक क्लोजिंग रैंक होगा वो होगा 4678 फॉर जनरल कैटेगरी। अगर बात कर लो बी सी ए कैटेगरी के लिए सो वो जाएगा 7300, बी सी बी के लिए बात कर लो 39564, और एस सी कैटेगरी की बात कर ले 50642। सो गाइस हमने डिस्कस कर लिया यहाँ पे स्टेट कोटा और ऑल इंडिया कोटा सीट्स के बारे में और क्लोजिंग रैंक के बारे में। सो आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपका रैंक जो भी हो और कैटेगरी जो भी हो, आप अगर कमेंट करके अगर आपको लगता है कि आपको हेल्प चाहिए हमसे, अगर पूछना चाहिए तो आप प्लीज़ करके पूछ सकते हैं, और आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हम वो हेल्प कर देंगे बताने में कि आपको किस कॉलेज में अप्लाई करना चाहिए सो डैट आपका एडमिशन हो सके। चलिए थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे आने वाले वीडियो आपको मिलते रहे और आपका एडमिशन प्रोसेस आराम से हो सके और हेल्पफुल हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।